Good morning everyone, good morning. People are coming and joining in. Hello everyone. So here we are back again on this beautiful morning with a new master with us. So today we have Disha Jaiswal Taunk with us. She is by profession an interior designer, and she has been practicing meditation now for a long period. So around मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया उनको ध्यान करते हुए. So she is here with us today to give us knowledge about water. पानी के साथ हमारा क्या गहरा कनेक्शन है, कैसे हम उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम पानी के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि पानी की सारी विशेषताएं क्या है, कैसे उनके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं. तो शी विल बी गाइडिंग अस थ्रू होल ऑफ दिस एंड शी विल बी जॉइनिंग अस विद इन अ फ्यू मिनट्स. सो वी हैव दिशा अभी हियर. I was telling about you that by profession आप एक interior designer है, and आपने भी ध्यान में काफ़ी लंबा समय हो गया है. You are walking on the path of meditation and spiritual realization from a very long period now. So before starting and going on to your topic, which is water heals, we would like to know about your journey, that how you stepped into meditation and how meditation has changed things for you. Okay. So hello everyone. My name is Disha Jaiswal Taunk, and I'm an interior designer by profession. मैं meditation में 2012 से आई हूँ, but meditation में आने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में प्रॉब्लम था. मेरे बॉडी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे मुझे साइनसाइटिस था बहुत ज़्यादा सीवियर, एंड पीसीओएस पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी एक्चुअली. तो उसके वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड रहती थी, और मैंने सारे टाइप के जितने भी मेडिसिन होते हैं, एलोपैथी से लेकर के होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया था, बट मुझे कोई भी क्योर नहीं मिल रहा था. जो भी होता था बहुत ही टेम्परेरी होता था, कुछ टाइम के लिए ठीक रहता था, फिर वो वापस से वैसे ही हो जाता था, बैक टू स्क्वायर. और मुझे डॉक्टर ने बोला था, साइनस डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको आप स्ट्रीम नहीं खा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, और ना आप एसी में सो सकते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ मतलब ऐसा होता था कि महीने में सिर्फ एक वीक तक के लिए मैं ठीक हूँ, नॉर्मल है मेरे, मुझे सर्दी नहीं है, बाकी मतलब थ्रू आउट ईयर मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा रहता था. तो थोड़ा सा मतलब और प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ मतलब पूरी तरीके से बर्बाद ही है, और फैमिली मतलब पेरेंट्स के साथ भी बहुत इश्यूज होने लग गए थे, क्योंकि मैं ऐसा प्रॉब्लम था मेरे अंदर कि मुझे मैं ऐसे इरिटेटेड ही रहती थी. तो उसके लिए कुछ टाइम के बाद मतलब 2012 में मेरी मम्मा ने ज्वाइन किया था मेडिटेशन. हमारे घर के पास में पिरामिड है कलकत्ता में. तो मम्मी ने पहले बोला कि ऐसा पिरामिड है, उसके अंदर हम लोग मेडिटेशन करते हैं. तो मुझे पहले तो बहुत आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन. मैं मेडिटेशन में 2012 से आई हूँ, बट मेडिटेशन में आने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में प्रॉब्लम था. मेरे बॉडी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे मुझे साइनसाइटिस था बहुत ज़्यादा सीवियर, एंड पीसीओएस पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी एक्चुअली. तो उसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड रहती थी और मैंने सारे टाइप के जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथी से लेकर के होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया था बट मुझे कोई भी क्योर नहीं मिल रहा था। जो भी होता था बहुत ही टेम्परेरी होता था, कुछ टाइम के लिए ठीक रहता था फिर वो वापस से वैसे ही हो जाता था, बैक टू स्क्वायर। और मुझे डॉक्टर ने बोला था साइनस के लिए, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको आप आइसक्रीम नहीं खा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, और ना आप एसी में सो सकते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ मतलब ऐसा होता था कि महीने में सिर्फ एक वीक तक के लिए मैं ठीक हूँ, नॉर्मल है मेरी मुझे सर्दी नहीं है, बाकी मतलब थ्रू आउट ईयर मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा रहता था। तो थोड़ा सा मतलब और प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ मतलब पूरी तरीके से बर्बाद ही है। और फैमिली मतलब पेरेंट्स के साथ भी बहुत इश्यूज होने लग गए थे, क्योंकि मैं ऐसा प्रॉब्लम था मेरे अंदर कि मैं ऐसे इरिटेटेड ही रहती थी। तो उसके लिए कुछ टाइम के बाद मतलब 2012 में मेरी मम्मा ने ज्वाइन किया था मेडिटेशन। हमारे घर के पास में पिरामिड है कलकत्ता में, तो मम्मी ने पहले बोला कि ऐसा पिरामिड है उसके अंदर हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तो मुझे पहले तो बहुत हंसी आई कि ये क्या बता रहे, पता नहीं कौन सी एलियन टेक्नोलॉजी बता रहे, पिरामिड है उसके अंदर मेडिटेशन करते हैं और घर के ऊपर पिरामिड है, मतलब कुछ अलग सा ही था मेरे लिए। तो मैंने बोला कि फिर भी एक था कि पिरामिड क्या होता है मुझे देखना था, क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसा है डिजाइनर एंड, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि वो देखने जाना है कि वो स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं गई वहाँ पे, तो पिरामिड में जब गई तो देख के लगा कि क्या है ये, और जब मेडिटेट किया तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था मेरे लिए, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में तो मेरे लिए बिल्कुल भी और कुछ था ही नहीं। तो मैंने मेडिटेट किया उधर पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मेडिटेशन की तरफ। उसके बाद 2014 में हम लोग गए थे पिरामिड वैली, जीसीएसएस का प्रोग्राम था। वहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरा कनेक्शन जो है वो वाटर से हुआ। तो पहले क्या है, मैं बचपन से ही थोड़ा पानी में खेलना करना, और मम्मी मेरे को बोलती थी, घर में सब बोलते थे मछली है, क्योंकि मैं नहाने मैं जल्दी से वापस नहीं आती थी। मैं मतलब मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैं खेलती रहती थी पानी से, मुझे अच्छा लगता था। तो 2014 में हम लोग जब GCSS गए थे, वहाँ पे हमारे सारे जो AY के जितने भी मेम्बर्स हैं, हम लोग लास्ट डे जब प्रोग्राम ओवर हो गया तो हम लोग वहाँ लॉन में मस्ती कर रहे थे सब सारे मिलके। तो मस्ती कर रहे थे तो हमने स्प्रिंकलर होता है वहाँ पे, हम सारे बैठ गए और मेडिटेट करने लग गए, और शाम के टाइम में वो स्प्रिंकलर ऑन हुआ, और ऐसा वहाँ पे एनर्जी है ऑलरेडी कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है सब कुछ वहाँ पे पिरामिड वैली अपने आप में। तो एनर्जीज इतनी ज़्यादा हाई थी, और हम लोग ऑलरेडी इतना मेडिटेट कर रहे थे वहाँ पे कि मैं मतलब उसको वर्ड्स में बता नहीं सकती कि क्या फीलिंग था। और जब हम लोग स्प्रिंकलर के सामने हम लोग मेडिटेट कर रहे थे तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे हम लोग एक साथ इकट्ठे बैठते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के मेडिटेट कर रहे होते हैं। तो पानी जैसे ही टच करता है वहाँ पे, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कुछ एंटर कर रहा है मेरे अंदर, कोई डिवाइन एनर्जी मेरे अंदर एंटर कर रहा है, और मेरी बॉडी में एक अलग सा सेंसेशन होने लग गया, जैसे करंट जैसा चल रहा है, एंड मैं रोने लगी वहाँ पे। तब तक भी मुझे पता नहीं था कि ये वाटर मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है या मैं कनेक्ट हो रही हूँ उसके साथ, वाटर हीलिंग मेरे लाइफ में आने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो सारे बस मुझे हक कर लिए, मैं रो रही थी, बहुत अलग सा कुछ फील हो रहा था, कोई वाइब्रेशन फील हो रहा था। वहाँ तक ये जर्नी एंड हो जाता है, हम लोग रिटर्न आ जाते हैं अपने अपने घर। फिर वहाँ से आने के बाद में 2-3 दिन बाद मुझे कहीं जाना होता है, बट मुझे साइनस था पहले, तो वो बहुत ज़ोर से मेरा दर्द हो रहा था, तो गले में दर्द हो रहा था। वो जनरली क्या, मुझे जब फीवर होने वाला रहता है या बहुत ज़्यादा सर्दी होने वाला रहता है तो वैसा पेन आता था मुझे। इतने टाइम से मैं एक्सपीरियंस करी थी, मुझे पता है कि अब ये होने वाला होगा, तो मैंने किया कि अब एक बार के लिए जस्ट ये क्या हो रहा है, मुझे जाना भी है बाहर काम पे, कैसे होगा। तो बस मैं गई, मम्मी के रूम में थी, मैंने बॉटल उठाया, अपने आप बॉटल उठाया, मैंने आँख बंद किया और ऐसा लगा कि कोई लाइट एंटर हो रहा है और वो मुझे गाइड कर रहा है कि आँख बंद करो, ये पानी पियो और इसके बाद तुम्हारा ये जो गले में दर्द है ये चला जाएगा जब तुम आँख खोलोगे तब। तो मैंने जस्ट अपने आप को सरेंडर किया और मैंने उस प्रोसेस को फॉलो किया। जब मैंने अपना आँख खोला पानी पीने के बाद में, तो एक्चुअल में मेरा पूरा गले का दर्द जा चुका था। उस मोमेंट में मुझे लगा कि ये मेरे साथ हो क्या गया, ये पानी है जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, ये वही है। और मैंने पिया और मेरा गले का दर्द चला गया पूरा कम्प्लीटली। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ये सारा कुछ हो रहा है मेरे साथ में, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मम्मी को भी पहले लगा कि ये क्या बोल रही है, ऐसी बातें तो सिर्फ मेडिटेशन करते हैं हम लोग, और ये क्या बता रही, कभी किसी से सुना नहीं है, इतने सारे मतलब लोग आते हैं पिरामिड में, कभी किसी से कुछ नहीं सुनता कि ये क्या बोल रही है मेरे से। तो मैंने मम्मी को भी पैर में दर्द था, तो ऐसा ऐसा कुछ होते गया कि मतलब साइंस होते हैं ना कि भाई आपको ये करना है उसके बाद में, तो वही एक्सपेरिमेंट के लिए मम्मी रेडी थी। तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी ठीक है, आप अब आपके साथ में ट्राई करते हैं। तो मम्मी को बस मैंने बताया कि ऐसे ऐसे आपको करना है, आप पानी लो और जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगी वैसे वैसे आप पानी पीते जाना, और देखते हैं आपका, मेरा जैसे गला ठीक हो गया तुरंत वैसे आपका पैर का दर्द जाता है कि नहीं, ये वाटर आपको भी हेल्प करता है कि नहीं। तो मम्मी ने किया, मैंने जैसे जैसे बताया, मैंने जैसे गाइड किया, तो उनको उस टाइम में फील हुआ कि उनके पैर में से, उनके एंकल में बहुत पेन था, तो वहां से कुछ ब्लैक कलर का कुछ रिलीज हो रहा है। Okay. आँख खोलने के बाद आँख खोले मम्मी, तो बोले तुम आखिर ये सब कर क्या रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा पेन ठीक हो गया है। तो मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये सच में कुछ हो रहा है, ये कुछ है, ठीक है। फिर इस हिसाब से सब चलता गया हमारे साथ में। लेकिन मुझे एक था कि ये जो भी कुछ हो रहा है वाटर हीलिंग, ये मेरे लिए हो रहा है, मैं अपने घर पे सिखा रही हूँ, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, लेकिन बाकी ये सारे लोगों को कैसे पता चलेगा इसके बारे में। सबको पता होना चाहिए ना, ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, ये सबके लिए। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि फिर मैं इसके साथ साथ बहुत ज्यादा, तो उसका आंसर मेरे को नहीं मिल रहा था। लास्ट ईयर हम लोग ऋषिकेश गए थे, जो वहाँ पे प्रोग्राम होता है ध्यान महाकुंभ में। हम लोग बहुत साल से ट्राई कर रहे थे, पॉसिबल नहीं हो रहा था। फॉर्चुनेटली इस बारी वो पॉसिबल हुआ, लास्ट मोमेंट पे हमारा प्लान बना और हम लोग गए वहाँ पे। तो वहां जाने के बाद में मुझे अंदर से आ रहा है कि ये जो एक्सपीरियंस है मुझे पत्री सर से शेयर करना चाहिए, मुझे उनको बताना है कि मेरे साथ में क्या क्या हो रहा है। 2014 से ये सब कुछ हो रहा है। तो मुझे था कि मुझे सर को बस इन्फॉर्म करना है कि सर ये कुछ हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे जब मैंने उनको सब कुछ बताया, अपना सारा एक्सपीरियंस, तो सर ने बोला कि आपको एक बुक लिखना है। सर बुक? यस, आपको बुक लिखना है, आपके साथ जो भी हुआ और जो भी अभी कुछ हो रहा है या आप जो भी करोगे उसका आपको बुक लिखना है, उसमें आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स डालने हैं, सारा कुछ, और मेडिटेशन के थ्रू आप कैसे क्या कर रहे हो वो सारा कुछ उस बुक में आना है, और उसका नाम होगा वाटर हीलिंग। तो जो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट नेक्स्ट, लोगों को कैसे पता चलेगा अब इसके बारे में, तो वो वहां पे मुझे जाके वो क्लैरिटी मिल गई। 13 अक्टूबर उस दिन था डेट और शरद पूर्णिमा भी था उस दिन, तो वहां पे जाके मुझे उस चीज की क्लैरिटी मिलती है कि मुझे लोगों को कैसे बताना है, क्योंकि इसके पहले मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए, लोगों को कैसे बताना चाहिए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का। तो इस बुक का नेम भी आपको पत्री सर वहाँ पे बता दिए थे कि वाटर हीलिंग इसका नाम रखना है। यस। एंड कब तक इसको बुक कंप्लीट करने का है? मैं कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके, बट लेकिन मैं कभी भी अपने दिमाग को उसमें नहीं जाने देती। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ऊपर से आए, डाउनलोड होके, और वो सब कुछ ये लिखा जाए उसमें, मतलब एकदम फ्री होके। जैसे अभी बहुत अच्छा टाइम है, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। इतना अच्छा हम लोगों को जो ये क्वारंटीन पीरियड मिला है इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और फाइनली ये सेशन भी हो पा रहा है क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। बहुत ज्यादा टाइम से प्लान कर रहे थे हम लोग कि एक वाटर हीलिंग सेशन दिशा भाभी का रखना है, जो आज जाके पूरा हुआ है। तो और टाइम आगे ना गवाते हुए लेट्स स्टार्ट फटाफट से कि वाटर हीलिंग क्या है, कैसे काम करता है, एंड हाउ वी कैन अप्लाई दैट। तो सबसे पहले समझते हैं कि वाटर हीलिंग मतलब क्यों बोलते हैं ऐसा। तो वाटर तो हमारे लाइफ में बहुत टाइम से है ना। हमारा जो भी लाइफ का जो भी सोर्स है, या हम जो भी जैसे चलते हैं, हमारे बॉडी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पानी। और हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी 60% पानी होता है। तो अब वो पानी हमारे लिए क्या है, लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे एग्रीकल्चर जो भी होते हैं या प्लांटेशन वगैरह, हम लोग जो जितने भी चीज है, मतलब एक वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लाइफ में वाटर। यस, यस। तो डॉक्टर मसारू एमोटो ने एक मतलब वो साइंटिस्ट है एंड ऑथर भी है वाटर हीलिंग का। उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था अबाउट वाटर मतलब वाटर भी लोगों के बातों को समझ सकता है। तो उन्होंने प्रूव किया था कि कैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस वाटर को इफेक्ट करता है। तो हमारा कुछ भी, हम अगर कुछ सपोज हम बोलते हैं कि यू आर अ फूल, ठीक है, तो पानी रखा उसको बोला यू आर अ फूल, और एक जगह पानी रखा उसको बोला कि लव, ठीक है। तो दोनों को वो क्या करते थे कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उस दोनों पानी को उसको फ्रीज करते थे, और उसके क्रिस्टल, वाटर क्रिस्टल फॉर्म होता है उसमें, उसके वो फोटोग्राफ्स लेते थे। तो जो यू आर फूल लिखा हुआ या कुछ भी ऐसे नेगेटिव वर्ड्स जो भी होते हैं उसको लिखा हुआ, उन्होंने जब फोटो निकाला तो उसमें देखा कि वो सारे इमेजेस बहुत ही डिसऑर्डर्ड थे क्रिस्टल्स और क्रिस्टल्स के, और जिसमें कुछ भी लव एंड ग्रैटिट्यूड या जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स लिखे हुए थे वो बहुत ही सुंदर से क्रिस्टल फॉर्म कर रहे थे। Okay. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत पहले से है, जो मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था क्योंकि मैंने कनेक्ट किया था। इसके बाद सर ने मुझे बोला कि आपको इसके बारे में पढ़ना है आगे, तो मुझे पता चला कि ये कैसे काम करता है एक्चुअली। वाटर जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस से इफेक्ट होता है उसके ऊपर। तो अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं वाटर को, तो वो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, और वो हमारे मतलब हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है। Yes. वैसे ही अगर आप कुछ नेगेटिव वर्ड भी बोलते हो तो वो भी वो उसके अंदर फीड होता है, और वो हमें मतलब बीमार होने में भी वही हेल्प करता है। Okay. तो वैसे बहुत सारे इम्पैक्ट आता है। एग्जैक्टली। तो वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है उनके है जिसमें कि जैसे एक लेक है, जापान में एक लेक है, लेक बीवा करके, वो उसके ऊपर में एक एलगी फॉर्म हो गया था, कैनेडियन एलगी बोलते हैं, उससे बहुत ही फाउल स्मेल आ रहा था। तो उसमें क्या होता है, वहाँ के गवर्नमेंट ने मतलब इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम वहाँ पे बढ़ जाता है कि उधर पे उनके गवर्नमेंट मतलब बोलते हैं कि इसके लिए कुछ मतलब करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो किसी भी तरीके से वहाँ से जा नहीं रहा था, एवरी ईयर वो हमेशा बढ़ते जा रहा था। तो डॉक्टर मसारू एमोटो ने उनके कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे, क्योंकि वो जापान से है और कुछ और भी साइंटिस्ट वगैरह थे, उन लोगों ने वहाँ पे क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया और उनसे प्रे करने के लिए बोला वहाँ पे कि वाटर के सामने हम सब मिलके प्रे करेंगे और उसको बहुत सारा लव एंड ग्रैटिट्यूड देंगे। तो देखते हैं वो चेंज होता है कि नहीं। तो सब बहुत सारे 10,000 लोग मिलके वहाँ पे सबने प्रे किया उस लेक से। तो नेक्स्ट ईयर तक क्या होता है कि वहाँ पे जो एवरी ईयर 1500 टन के अप्रॉक्स वो जो एलगी था वो निकलता था एवरी ईयर। बट प्रेयर के बाद में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ 110 टन निकलता है वहाँ से। प्रेयर करने के बाद में 1,500 टन से लेकर के रिड्यूस होके उसका रेट आ जाता है 110 टन। तो इस तरीके से हमारा वाइब्रेशन जो है वाटर के ऊपर काम करता है। हम जैसे प्रे करते हैं, हम जैसे ट्रीट करते हैं उसको, वो वैसे ही काम करता है हमारे लिए। और ये जो 10,000 लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने प्रेयर इन द सेंस मतलब प्रेयर में क्या, ओनली दे गिव लव एंड ग्रैटिट्यूड टू द वाटर। बस सिंपली लव एंड ग्रैटिट्यूड और कुछ नहीं। वो अपने आप चेंज हो जाता है और एक साल के बाद में 1,500 टन से वो सीधा रिड्यूस होके आ जाता है 110 टन। 110 टन, यस। तो वैसे बहुत सारे उनके एक्सपेरिमेंट है और बुक में बहुत अच्छी चीज़ बताई हुई है कि ये सिर्फ ये जो वाटर हीलिंग जैसे है, वो वाटर जो है वो सिर्फ आपके मतलब बॉडी में ही नहीं, बाकी जो भी बड़े बड़े लेक्स है, ओशंस है, उसको भी अगर आप क्लियर करना चाहो तो अपने पॉजिटिव थॉट से क्लियर कर सकते हो। Yes. तो ये है कॉन्सेप्ट उसका। तो आप जैसे अगर एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे आप देखना चाहो तो आप ऑनलाइन देख सकते हो। मसारू एमोटो का एक्सपेरिमेंट, वाटर एक्सपेरिमेंट, राइस एक्सपेरिमेंट है सबसे कॉमन उनका। तो लोग अपने घर में प्रैक्टिस भी करते हैं, मतलब देखते हैं कि सही में ये काम करता है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। तो आपने कभी ट्राई किया है एक्सपेरिमेंट? तो नहीं, बस मैं अभी ये ट्राई कर रही हूँ अपने साथ में। ये जैसे पानी का बॉटल है हमारा, इसके ऊपर हम लोगों ने लव एंड ग्रैटिट्यूड लिख के रखा है जैसे। ओके। तो ये मेरे लिए बहुत काम करता है, मेरे लिए, हीरा के लिए भी। बाकी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के थ्रू ये सारा प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। अब हमारा पार्ट है मेडिटेशन का। सर मसारू एमोटो का उनके पास में टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारा कुछ वाइब्रेशन को चेक करते थे। उनके पास इक्विपमेंट था, लेकिन हमारे पास में क्या, हम मेडिटेट करते तो हमें ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन का समझ में आने लगता है। यस। मेडिटेशन करते हो तो आपको फील होता है ना कि आपके पास में कुछ पॉजिटिव एनर्जी है या कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फील हो जाता है। yes. तो हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है कि हम लोग कैसे, हमारे पास सबके पास तो इक्विपमेंट है नहीं कि हम वाइब्रेशन लोगों का चेक कर सकेंगे। तो हमें क्या करना, अपना वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है और अपने अंदर में जो वाटर प्रेजेंट है उसको हम लोगों को पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन देके चार्ज करना है। जो पानी अंदर है अपने 60% वाटर ऑलरेडी है अपने बॉडी के अंदर में, उसको चार्ज करेंगे। प्लस जो हम लोग घर में यूज करते हैं पानी पीने के लिए, कुकिंग के लिए, सब चीज के लिए, तो अपने जब उसको चार्ज करके यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट पूरा डिफरेंट होता है हमारी लाइफ में। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि मुझे पीसीओएस था, तो उसके लिए मेरा कोई मेडिसिन और कुछ भी काम नहीं किया। काम किया तो मेरे लिए वाटर हीलिंग से ही मेरा पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, जो मुझे कितने सालों से था। तो अच्छा, मेडिसिन इतना सारा हार्मोन का मेडिसिन चलता था, एक्ने हो गया था फेस में, वेट गेन हो गया था, हेयर फॉल हो रहा था, लेकिन मेडिसिन से कुछ भी ठीक नहीं हुआ मेरा। सब कुछ एक टेम्पररी, मतलब छोटे स्पैन के लिए होता था। हाँ, फिर उसके बाद वो वापस वैसे ही हो जाता था सब कुछ। और हार्मोनल चेंज की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैंने इसको प्रैक्टिस किया वाटर हीलिंग को, तो मैं पूरे तरीके से ठीक होती चली गई। और अभी वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया, साइनस भी नहीं है मुझे अब। ये सब मैंने वाटर हीलिंग से ही ठीक किया है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा चीज़ है। आप मेडिटेशन करते हैं, आप मेडिटेशन करो, आपके अंदर जो वाटर है उसको चार्ज करो, उसको क्लियर करो, उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। और जो पानी हम लोग पीते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं, उसको भी हम लोगों को पॉजिटिवली चार्ज करना है। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग किचन में जब भी काम करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अभी जैसे कि कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है इतना कुछ, तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुकिंग के टाइम में ये सारी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट ना करें तो बहुत अच्छा है। या न्यूज़ चल रहा है तो ट्राई करें कि अगर वॉल्यूम कम कर दें अगर कोई देख रहे हैं तो, या हम लोग अपने लिए म्यूज़िक चला के और कुक करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। आप खाना बनाते हो और वही सारा इन्फॉर्मेशन आपके खाने में भी जाता है, आप खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। बाकी जितने भी लोग खाना उस खाने को खाएंगे उनके लिए भी वही जाएगा वाइब्रेशन। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन है वहाँ पे बिल्कुल भी खाना बनाने के टाइम में या पानी पीने के टाइम में ये सारा कुछ नहीं सुनेंगे, अवॉइड करेंगे। और ऐसे भी नहीं सुनना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस चीज के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी वाइब्रेशन उस चीज में चली जाती है। yes. तो जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा। बस पता होना चाहिए कि हाँ ये सारा कुछ हो रहा है, बस ठीक है, उसमें घुसना नहीं है हम लोगों को कि इतना टेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है हम लोग कर रहे हैं। तो मैं ये और जानना चाहूँगा आपसे कि अपने जो वाइब्रेशंस है अपने आप, जैसे आप बता रहे थे कि खाना बनाते समय भी वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर वाइब्रेशंस की तो फिर ये कैसे काम करता है कि जैसे आप जो बता रहे हैं कि खाना बनाते समय हमें अपने वाइब्रेशंस पॉजिटिव रखने चाहिए, तो उसमें क्या होता है? आप इसके लिए सबसे ईजी टेक्निक है कि अगर आप कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा के खाना बनाएं तो आपका ध्यान कहीं भटकेगा ही नहीं। और अगर पॉसिबल है तो मेडिटेट कर ले 5 मिनट्स, फिर कुक करें, 5 मिनट मेडिटेट कर लिए, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे हम लोग। और या फिर जैसे अब अभी जैसे मैं बताऊंगी कि हम वाटर को कैसे चार्ज करते हैं, वो चार्ज्ड वाटर खाना बनाने से पहले हम लोग पी लेंगे और उसमें वैसी एनर्जी डालेंगे कि ये जो पानी हम लोग पी रहे हैं ये हमें पॉजिटिव रखेगा। तो yes. वो वैसे ही काम करेगा आपके अंदर। जैसी आप एनर्जी डालोगे, जैसी आप वाइब्रेशन डालोगे, वो वैसा ही आपके अंदर काम करेगा। तो उसके कुछ टेक्निक्स है वो मैं बताऊंगी कि वाटर हीलिंग की क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहले तो एक मैं जो कराऊंगी वो है गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू एक टेक्निक होता है, वो कराऊंगी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप वाटर चार्ज करें, मेडिटेशन करें बहुत ज़्यादा, और पूरा ब्लैंक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप वाटर चार्ज कर रहे हो, ऐसे टाइम में बिल्कुल भी चार्ज ना करें जब आपका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। आप सपोज़ किसी से कुछ भी बात हो गया, आपका मूड अच्छा नहीं है, आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो उस टाइम में वाटर को जो हम लोग पकड़ के जो चार्ज करते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बॉटल में कुछ टाइम में ये सारा कुछ नहीं सुनेंगे, अवॉइड करेंगे, और ऐसे भी नहीं सुनना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी वाइब्रेशन उस चीज़ में चली जाती है। yes. तो जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा। बस पता होना चाहिए कि हाँ ये सारा कुछ हो रहा है, बस ठीक है, उसमें घुसना नहीं है हम लोगों को कि इतना टेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है हम लोग कर रहे हैं। तो मैं ये और जानना चाहूँगा आपसे कि अपने जो वाइब्रेशंस है अपने आप, जैसे आप बता रहे थे कि खाना बनाते समय भी वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर वाइब्रेशंस की तो फिर ये कैसे काम करता है कि जैसे आप जो बता रहे हैं कि खाना बनाते समय हमें अपने वाइब्रेशंस पॉजिटिव रखने चाहिए, तो उसमें क्या होता है? आप इसके लिए सबसे इजी टेक्निक है कि अगर आप कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा के खाना बनाए तो आपका ध्यान कहीं भटकेगा ही नहीं, और अगर पॉसिबल है तो मेडिटेट कर ले 5 मिनट्स, फिर कुक करें, 5 मिनट मेडिटेट कर लिए, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे हम लोग। और या फिर जैसे अभी जैसे मैं बताऊंगी कि हम वाटर को कैसे चार्ज करते हैं, वो चार्ज्ड वाटर खाना बनाने से पहले हम लोग पी लेंगे और उसमें वैसी एनर्जी डालेंगे कि ये जो पानी हम लोग पी रहे हैं ये हमें पॉजिटिव रखेगा। तो yes. वो वैसे ही काम करेगा आपके अंदर, जैसी आप एनर्जी डालोगे, जैसी आप वाइब्रेशन डालोगे, वो वैसा ही आपके अंदर काम करेगा। तो उसके कुछ टेक्निक्स है वो मैं बताऊंगी कि वाटर हीलिंग की क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहले तो एक मैं जो कराऊंगी वो है गाइडेड, एक गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू एक टेक्निक होता है वो कराऊंगी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप वाटर चार्ज करें, मेडिटेशन करें बहुत ज़्यादा, और पूरा ब्लैंक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप वाटर चार्ज कर रहे हो, ऐसे टाइम में बिल्कुल भी चार्ज ना करें जब आपका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। आप सपोज़ किसी से कुछ भी बात हो गया, आपका मूड अच्छा नहीं है, आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो उस टाइम में वाटर को जो हम लोग पकड़ के जो चार्ज करते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बॉटल में कुछ लेबल लगा के रखे हो, उसमें कुछ चार्ज हो रहा है, पिरामिड लगा के आप बॉटल में लेबल लगाएंगे, उसके ऊपर पिरामिड रख के वो चार्ज होता है जब पानी, वो हम लोग पी सकते हैं। लेकिन बॉटल को पकड़ के चार्ज कभी भी नहीं करना चाहिए जब आपका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, या आपको कुछ भी आपके अंदर ऐसा कुछ थॉट चल रहा है, कुछ भी किसी के घर में जैसे कुछ डेथ, या फिर किसी को कोई बीमार हो गया है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, उस चीज जब आपके इमोशंस वैसे होते हैं, थोड़े डिसबैलेंस है, हाँ डिसबैलेंस हो, तो पानी को नहीं चार्ज करना चाहिए उस टाइम में पकड़ के, क्योंकि आपके थॉट्स भी उसमें जा रहे हैं। ओके, हाँ, तो आपका पानी वैसे ही चार्ज होगा, जब हम उसको पिएंगे तो वो वैसा ही असर करेगा अपने ऊपर। बिल्कुल। तो अभी हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे, और सब लोग अपने पास में अगर पानी का बॉटल है तो आई थिंक सबने रखा होगा, तो हम लोग लेके बैठेंगे अभी, और फिर उसको चार्ज करेंगे। चार्ज तभी करें अगर आपको लग रहा हो कि आपका पूरा सब कुछ आप थॉटलेस हो और आप कर सकते हो अभी, तो ही पकड़ के चार्ज करेंगे, नहीं तो दूसरा भी टेक्निक है, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तभी पानी का बोतल ले साथ में जब आपको लगे कि आपका सब खाली है। ठीक है, ओके ओके, स्टार्ट। अपना जो आप बता रहे हैं कि अपने बोतल को अपने हाथों से चार्ज कर सकते हैं पानी, तो ये वाला एक बार आप छोटा सा ब्रीफ में बता सकते हैं कि कैसे इसको करना रहता है? हाँ बिल्कुल, जैसे आप पानी का बोतल अपने साथ में रखें, मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। मेडिटेशन करके बिल्कुल पूरे तरीके से एम्प्टी हो जाना है अंदर से, पूरा खाली। जब आपको लगे कि आप पूरे तरीके से ब्लैंक है, तो हम लोग जो पानी हाथ में, जैसे बॉटल को हाथ में रखा है, ऐसे पकड़ के रखा है, उसको हम लोग उसके अंदर में इंटेंशन डालेंगे कि ये पानी मतलब पूरी तरीके से चार्ज हो रहा है पॉजिटिव एनर्जी से, ये फील्ड है पूरा लव एंड ग्रैटिट्यूड से, ठीक है। और इसका एक एक ड्रॉप जब हम लोग पियेंगे तो हमारी बॉडी हील होती जाएगी, ठीक है। yes. अच्छा, जब भी पानी पियेंगे, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कुछ पर्टिकुलर डिजीज है या कुछ भी है, उसको ठीक करना है, तो उसके लिए पानी को फील करेंगे जब पीते वक्त कि उस एरिया में वो काम कर रहा है। सपोज किसी को हेडेक है, तो फील करेंगे पानी पीते वक्त कि वो आपके सर के एरिया में पूरी तरीके से काम कर रहा है, और जैसे जैसे आप पानी पीते जा रहे हो उसको वो ठीक करते जा रहा है, और जब आप आँख खोलोगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। हो सकता है एक बार में ना हो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है। आप जितना ज़्यादा कनेक्ट होते जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो आपके लिए इतना ही ईजी हो जाएगा। और ये हमारे मतलब हमें डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया छोड़ दिया, डेली करते जाएंगे, क्योंकि आपको तो आपको इतना अवेयरनेस आ जाएगा कि आप जो पानी पी रहे हो वो सारी बातें आपकी समझ रहा है। तो डेली अगर मेडिटेट करते हैं, उसके साथ में ये प्रोसेस करते हैं, तो आपको क्या है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, सपोज कि कोई भी बॉडी एलिमेंट है, तो वो आपको सिर्फ हील करने में नहीं, उसका रूट कॉज भी पता करने में हेल्प करेगा। जैसे मुझे साइनस था, तो साइनस सिर्फ ऐसे नहीं आता, उसका रीज़न भी होता है, क्यों आया है ये बॉडी में, लेसन क्या है हमारे लिए, हमें क्या सीखना है इससे। तो वो उसका वहाँ तक आपको लेके जाएगा कि ये इस चीज़ के लिए आया है, ये आपको सीखना है, इस चीज़ को ओवरकम करो, और धीरे धीरे करके ठीक होता चला जाएगा। जैसे इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन के प्रॉब्लम से भी ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो वो रूट कॉज तक हम लोगों को जाना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से ठीक कर लिया सब कुछ और अंदर में yes. अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं yes. इसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर जो भी कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा होगा, जिसमें कि बैलेंस का जरूरत है, इस चीज में भी हेल्प करेगा, आप लोगों को रूट कॉज तक भी जाने में हेल्प करेगा। okay. तो एक प्रोसेस तो मैं बता देती हूँ सबसे पहले कि जैसे बॉटल हम लोग जो भी डेली यूज करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर में ये एक लेबल लगा लेंगे, उसमें लव एंड ग्रैटिट्यूड, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, लव एंड ग्रैटिट्यूड, बस इतना ही लिख के बॉटल को रख देंगे रात को फुल करके। और उसके ऊपर में पॉसिबल हो तो एक पिरामिड रख दीजिए, या एंगल भी आते हैं पिरामिड के, उसके अंदर ये बॉटल को रख देंगे और उसको चार्ज होने के लिए देंगे। और सुबह उठ के उस पानी को हम लोग पियेंगे, और जब पानी पियेंगे तो मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि ये हमें हील कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। ये एक हो गया, और एक है हमारा जो अच्छा, एक और चीज है, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, जब मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के टाइम में हम लोग अपने अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो पानी हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो हमें हेल्प करे हील करने में, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर 60% ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। तो उसको भी हम लोगों को मेडिटेशन के टाइम में जब एकदम कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं, तो जिस भी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में अगर प्रॉब्लम है, उस जगह में फील करेंगे कि हमारा वो प्रॉब्लम बिल्कुल ही डिजॉल्व हो जा रहा है, और जो पानी हमारे अंदर जो प्रेजेंट है वो उसको हेल्प कर रहा है डिजॉल्व करने में। ये है सेकेंड, ठीक है। और थर्ड है, एक मैं गाइडेड कराऊंगी, उसमें आप लोगों को फील करना है और एकदम एम्प्टी हो जाना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एकदम एम्प्टी हो जाए और अपने आप को एकदम रिसीव करने के मोड में डालना है कि नहीं, मुझे अभी पूरा कम्प्लीटली इस चीज़ को रिसीव करना है और कुछ भी है अगर अंदर में तो उसको हील करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, सब अपने लिए सब कोई वाटर चार्ज करे, किसी के लिए भी वाटर नहीं चार्ज करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबकी लेसन्स अपनी अपनी होती है, सबको अपने खुद से सीखना होता है। वाटर चार्ज जो हम लोग करते हैं खुद से, बॉटल आप जैसे ये स्टिकर लगा के अगर रखते हो ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी को खुद से पकड़ के जब चार्ज करते हो, अपनी एनर्जी उसमें डालते हैं, तो वो सिर्फ हमें अपने लिए करना है। इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को अपने लिए करना है, किसी के लिए पानी चार्ज करके हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होती है आप, हाँ उसमें क्या है, सामने वाले की लर्निंग क्या है नहीं है वो उसके लिए है ना। सपोज मेरे लिए कुछ है, मैं चार्ज कर रही हूँ, इसमें मेरा इंटेंशन है, तो ये मेरे लिए उस हिसाब से काम करेगा कि मुझे अपने रूट कॉज तक जाने में हेल्प करेगा। ये आप चार्ज करके किसी और को दे दोगे, इसमें क्या इंटेंशन है, सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हमें नहीं पता है। तो किसी के लिए भी पानी नहीं चार्ज करेंगे हम लोग, सब इंडिविजुअली अपने लिए चार्ज करेंगे। और जो हम लोग बॉटल में एफर्मेशन लिख के रखते हैं वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। अपने घर में एक्वागार्ड या प्यूरिफायर जो भी रहता है उसके ऊपर भी एक स्टिकर लगा के उसमें लव एंड ग्रैटिट्यूड लिख के रखेंगे। और कुकिंग के लिए भी जो भी पानी यूज़ करते हैं उसमें भी लिख सकते हैं। अगर आपका वाटर रिजर्वर है उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यस माय टीचर, यस ओके। पानी का बॉटल सब लोग ले लेंगे साथ में। यस लेट्स स्टार्ट। यस, तो आपके पास कुछ अगर है तो आप पीछे कुछ सॉफ्ट म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, अगर इफ यू हैव सम मोबाइल नेक्स्ट चांस, या बिना म्यूजिक के म्यूजिक के कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रेथ, प्लीज क्लोज योर आईज एंड जस्ट रिलैक्स। Every breath, your mind is becoming empty and you are getting ready to receive the healing power of water. Just become with your natural, just become one with your natural breath. और अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। अब हम सब अपने अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें हील करे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ भी तकलीफ है तो अपना फोकस उस जगह पे ले जाएंगे और उस जगह में जो वाटर प्रेजेंट है उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको उस एरिया में हील करने में हेल्प करे। Just allow yourself to feel the process which is happening inside your body. Just give love to that particular area. Feel that your body is filled with love and gratitude. धीरे धीरे हम लोग फील करेंगे जिस भी एरिया में हमें प्रॉब्लम है या तकलीफ है वो हील हो रहा है और वो पेन धीरे धीरे रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी से। Allow yourself to feel the process. Just feel this bottle is filled with love and gratitude. हम जब इस पानी को पिएंगे तो इसका हर एक बूंद हमारी बॉडी में काम करेगा और हमें हील करेगा, हमारी बॉडी को रिजुविनेट करेगा। सब लोग मिल के थैंक यू बोलेंगे। गिव यू लव एंड से थैंक यू टू वाटर जो हमें इतना अनकंडीशनली हमारे लाइफ को इजी बना रहा है और हमें हेल्प कर रहा है। Just pay respect. Just thank you for being there in our life. For helping us unconditionally. धीरे धीरे अपने चेतना में वापस आएंगे, धीरे धीरे अपने बॉडी को फील करेंगे। स्लोली टेक योर टाइम, नो नीड टू रश, धीरे धीरे वापस आएंगे। आँख खुलने के बाद कंफर्टेबल लगे फिर धीरे धीरे करके पानी को हम लोग पिएंगे। फील करके पीना है कि आपको हील कर रहा है। प्रशांत कैसा लग रहा है? पानी का टेस्ट ही अलग लगा मेरे को तो। So I could feel the energies. I was able to feel the energies moving inside me all over. ये अच्छा लग रहा था मेरे को। And the water really tastes a bit different. मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। So I hope कि बाकी सबको भी काफी अच्छे से एक्सपीरियंस हुआ है। So what? How did you feel? How you felt the meditation and what have you experienced from this small session? And if you have any questions regarding water healing and आपको कुछ भी पूछना है, so you can ask directly in the comment section below. तो मेरे को पर्सनली तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ये मेडिटेशन करने के बाद एंड ये पानी पी के। सो वी हैव एनेबल्ड द कमेंट सेक्शन। ऋषभ अग्रवाल सेज टेस्ट वाज डिफरेंट। चलो अच्छा, बाकी लोगों को भी टेस्ट अलग लग रहा है। यस, थैंक यू। सब लोगों को प्रैक्टिस करना है regularly. Vandana says I saw purple light and smoke. What does that mean? Purple light and smoke. Purple light water mein? I think unko apne experience mein dikha when she was meditating. Vandana Challani. Healing energy है, healing energy है वो। आपको जब आप चार्ज कर रहे हो तो वैसा एनर्जी आपके पानी में गया है, आप जब पी रहे होगे तो वो हीलिंग एनर्जी आपके बॉडी में देता है। अच्छा, पर्पल लाइट और एग्जैक्टली क्या लग रहा होगा जैसे मुझे बताएंगे तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत बार चक्रा के हीलिंग भी होते हैं तो वो भी हो सकता है। So जब तक वो बताते हैं we'll go for others experiences. अंगुल श्वेता says ऊर्जा महसूस हो रहा है जब पानी अंदर जाता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे घर में सबके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। So there's another experience. It's from Vandu. Disha ji, this was amazing. I actually felt that water is healing me, and absolutely the taste was different than what I taste daily. क्लैरिटी और मिलेगी जब मैं अपना बुक कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास में और उसमें सारा कुछ कंप्लीट करना है। तो इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए जो मैं अपने बुक में ज़रूर लिखूँगी। और भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं दैट वाटर टेस्ट वाज स्वीट डिफरेंट। आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम निकिता सारावगी. If someone in the family has physical ailment, can we charge on behalf of them? Charge हाथ से तो नहीं करना है, charge करके नहीं देना है। आप अगर उसमें affirmations लिख के उसको लेबल लगा के रखते हैं बॉटल में और उसको पिरामिड के नीचे रखते हैं रेगुलरली करना है इसको। तो अगर पॉसिबल होगा छोटे छोटे बॉटल में, जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम है, तो उसको ये काम कर सकते हैं हम लोग कि जो बड़ा वाला जार होता है पानी का, उसमें हम लोग लेबल लगा के रखेंगे और उसको उनको देंगे पीने के लिए भी, और भी अगर नहाने के टाइम भी यूज़ करते हैं तो वो भी अच्छा है। और उनको जैसे मेडिटेशन सिखाएंगे, उनको मेडिटेशन में खुद से बोलेंगे कि थोड़ा सा बस करने के लिए, जब नहाने जाते हैं तो उसमें बस वो पानी को रिक्वेस्ट करेंगे कि जब हम नहा रहे हैं तो बॉडी हमारा हील हो रहा है, बस इतना ही रिक्वेस्ट उनको खुद से ही करना है कि मैं नहा रहा हूँ या नहा रही हूँ, मेरा बॉडी हील हो रहा है, पानी पी रहे हैं तो बस इतना ही बोलेंगे कि मेरा बॉडी हील हो रहा है कम्प्लीटली। लव एंड ग्रैटिट्यूड बस, और कुछ भी नहीं। किसी के लिए पानी हाथ से चार्ज नहीं करके देना है, लेबल लगा के रख देंगे, उसमें लव एंड ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, वो उनको दे सकते हैं। I think that answers our question. There's another experience from Priti. She says, I could absolutely feel the vibration on my hands and all over my body. I could sense that the energy going into the body. Wow. अच्छा, अगर आप लोगों को ऐसा experience कुछ भी बॉडी एलिमेंट है, अगर आपका इससे ठीक होता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि मैं अपने बुक में इसको डाल सकूं कि लोगों तक ये पहुंचेगा कि कैसे वाटर हीलिंग काम करता है। और आप लोग एक एग्जाम्पल या उसमें डाले जाएंगे कि हाँ, आपका नाम जो रहेगा उसमें लिखा रहेगा आपका एक्सपीरियंस कि आपको कैसे, मतलब वाटर हीलिंग से आपको क्या फ़ायदा हुआ है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो वो शेयर कर सकते हैं। Yes, interested people can share their experiences directly with Disha Babi on her Instagram profile. आप इनको DM कर सकते हैं अपने experiences. That will help her a lot in putting them in her book. So moving forward, एक और question है, what affirmation should we write? What affirmation should we write for who have vision problems? Okay. Vision problems. ऐसे आप जनरली जो सबसे ज़्यादा इजी और सारी चीज़ में काम करता है वो लव एंड ग्रैटिट्यूड है, ठीक है। और एकदम से स्पेसिफिक कुछ लाइन डालना है, इसके लिए मैं लिख के ज़रूर सेंड कर दूँगी। कहाँ पे मुझे एक बार पर्सनली मैसेज कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन पूरा लिख के दे दूँगी। ये क्वेश्चन था, जस्ट कॉल आउट एन एम प्रकाश, नहीं लीना, पारक लीना, पारक लीना। तो यू कैन डी एम to Disha Babi's account directly. Okay. Yes. So again, that question from Vandhu. Disha ji, one question. The bottle I am holding, shall I drink this water myself? No other person can drink from this bottle, as you said. सिर्फ आपको use करना है, only you. So Fiesta Paralink says you are an on spring woman. Disha, may your light reach the entire planet. Gratitude. Thank you so much. Thank you. I'm blessed. There's a question. Is this only for healing, or we can use it for a manifestation of our goals? यस, मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब इसमें आप लेकिन ये याद रखना है कि हम लोग जो भी कुछ चाह रहे हैं उसके लिए आपका इंटेंशन एकदम प्योर होना चाहिए। मेडिटेशन ज़रूरी है, मेडिटेशन करें, फिर आप उसमें कुछ जो भी लिखेंगे होगा, पूरा जरूर होगा, कर सकते हैं। So I think all people have shared their experiences with us. So if anyone wants to share their experiences or know further about water, they can directly contact with Disha Jaiswal Taunk on her Instagram profile. You can DM her and share your experience with her too. And she will obviously love to guide you through this process. And from this, this session comes to an end. Thank you so much, Disha Bhabhi, for coming here and giving us so much knowledge about water, how to connect with it, and कैसे हम से connection और improve कर सकते हैं. I would really practice this every day from now, and surely you would look back कि क्या असर किया, क्या असर नहीं किया. Thank you so much for thank you so much everyone सुनने के लिए. और ये मेरा फर्स्ट सेशन था वाटर हीलिंग पे. होप कि मैंने जस्टिस किया. अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो गया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया शेयर करके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लुकिंग फॉरवर्ड आपके साथ और टाइम स्पेंड करेंगे आगे, एंड आपके साथ और भी सेशंस करेंगे, एंड विल श्योरली प्रैक्टिस द वाटर हीलिंग दैट यू हैव lent us today. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you. Bye. So we had a really amazing session today. हमने आज बहुत कुछ जाना water के बारे में. That how we can heal ourselves from water also. So I hope you guys loved the session of today. एंड प्लीज़ इस वाटर हीलिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कीजिए अपने डेली लाइफ में एज प्रेस्क्राइब बाय दिशा जायसवाल. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड अटेंडिंग सेशन. अगर आप लोगों ने कोई भी सेशन, प्रीवियस सेशन हमारा मिस कर दिया है, देन वी आर अपलोडिंग आवर सेशंस ऑन आवर यूट्यूब पेज ऑल्सो. जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च अ वीकेंड यूथ्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. हमारे चैनल पे सारे Instagram live sessions है. You can watch them again and वापस आप सब कुछ देख सकते हैं. And thank you so much for coming today. We will be going live again very soon with a new master and on a new topic. So until then, please stay tuned to our Instagram page for further updates. And yep, thank you so much for giving your valuable time to us. Thank you.